हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइप्रस डिस्प्यूट, साइप्रस विवाद क्या है, जिस तरीके से टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को कश्मीर इशू में, इंडिया साइप्रस को क्यों सपोर्ट कर रहा है और इससे टर्की को नुकसान क्यों होता है, डिस्कस करेंगे ये सब। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, UPSC 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ आप अगर मुझसे पूछें कि पाकिस्तान के लिए दो सबसे फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर होगा चाइना और टर्की। मलेशिया को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, मगर अभी दोनों की कोऑपरेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है। आज से कई साल पहले 2016 से ही उन्होंने कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा पिछले 10 साल में आप अगर देखें तो टर्की और पाकिस्तान की मिलिट्री एंगेजमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी है, काफ़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और तो और रिसेंटली 2019 के UN जनरल असेंबली के ओपनिंग सेशन के दौरान टर्की के प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क गए और कश्मीर का इशू रेज किया और पाकिस्तान की यहाँ पर साइड ली। ऑब्वियसली इससे जो इंडिया का नैरेटिव है इसको डैमेज पहुँचता है, और टर्की ने प्राइमरली यहाँ पर पाकिस्तान के साथ अपनी जो दोस्ती है वो निभाई। नाउ इंडिया ने टर्की के इस एक्शन का एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। इंडियन PM मिले साइप्रस के प्रेसिडेंट से। यहाँ पर आप देखोगे ये हैं साइप्रस के प्रेसिडेंट और ये हैं इंडियन PM, और यहाँ पे इंडिया और साइप्रस मिल रहे हैं, और इंडिया ने ओवरऑल साइप्रस को अपनी पूरी सपोर्ट देने का वादा किया, अफर्म किया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हमारी पूरी सपोर्ट आपको है। इसके अलावा PM मोदी आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, मगर वो अलग टॉपिक है, आर्मेनिया टर्की का अलग इशू है, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके इन न्यूयॉर्क टर्की को एक बहुत ही प्रॉपर मैसेज भेजा है कि आप अगर कश्मीर का इशू रेज करेंगे तो हम साइप्रस को अपना सपोर्ट डबल करेंगे। ऑलराइट, सो साइप्रस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। नाउ साइप्रस बेसिकली है कहाँ पर? एज यू कैन सी, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ पे टर्की के नॉर्थ में आपको मिलेगा ब्लैक सी, साउथ वेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, और इस सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू है जिसका नाम है साइप्रस। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। नाउ ये जो टापू है इसकी रिमार्केबल हिस्ट्री है, बहुत से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट छुपी हैं। ये जानने के लिए पहले आपको इसके कुछ इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाउ जो साइप्रस के लोग हैं उनको हम कहते हैं साइप्रियोट्स, वो खुद को भी साइप्रियोट्स ही कहते हैं, और ये एथनिकली खुद को मानते हैं ग्रीस से जुड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो मानते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो ग्रीस से ही आए थे। नाउ इस छोटे से आइलैंड की आप हिस्ट्री देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवर द ईयर्स मेजर एम्पायर्स ने इस आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करी है और इसको अपने एम्पायर का पार्ट भी बनाया है। आप अगर हज़ारों साल पहले देखिए तो 709 BC में साइप्रस को कॉन्कर किया था उस वक्त के नियो असीरियन एम्पायर ने अंडर द एम्परर सार्गोन द सेकेंड। उसके बाद 380 BC में पर्शिया ने भी साइप्रस को कैप्चर किया, इसको कॉन्कर कर लिया था। फिर उसके बाद 45 AD में साइप्रस में पहली बार क्रिश्चियनिटी आई और यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियंस बन गए। फिर उसके बाद हज़ारों सालों के बाद ऑटोमन एम्पायर ने साइप्रस पे कब्जा कर लिया और काफ़ी लंबे समय तक, कई सदियों तक, 300 साल तक ऑटोमन ने साइप्रस पर हुकूमत करी। यहाँ पे आप देखेंगे ये है ऑटोमन एम्पायर अपने जेनिथ पर, और यहाँ पर आप देखोगे ये है साइप्रस। नाउ ऑटोमन एम्पायर के अंडर साइप्रस में क्या हुआ कि बहुत से टर्क्स माइग्रेट करना शुरू हो गए। टर्क्स मतलब आज के टाइम में जो टर्की में लोग रहते हैं, बहुत से टर्क्स ने यहाँ पे माइग्रेशन करी, और आप कह सकते हैं एक टाइम पे जो ये पूरा आइलैंड था जहाँ पर 95% साइप्रस के नेटिव रहते थे, टर्क्स की माइग्रेशन के बाद डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए, यहाँ पर फिर करीब 79% साइप्रस के नेटिव रह गए और बाकी कुछ 15% के आसपास टर्क्स, और फिर कुछ और जो डेमोग्राफिक्स थे आसपास की वो यहाँ पे रहने लग गए। तो बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के अंडर साइप्रस काफ़ी हद तक डाइवर्स हो चुका था और यहाँ पे दो बहुत ही बड़े रिलीजन के ब्लॉक्स बन गए थे। क्रिश्चियंस का अलग एक ब्लॉक बन गया था और मुस्लिम्स का अलग एक ब्लॉक बन चुका था। नाउ फिर आता है 1878 का दौर। 1878 तक ऑटोमन एम्पायर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, डेट के अंडर था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कोलैप्स के काफ़ी हद तक करीब था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटेन के साथ एक सीक्रेट डील ये करी
कि देखिए जो ये आइलैंड है इसका कंट्रोल तो ऑटोमन एम्पायर के पास रहेगा, मगर ब्रिटेन यहाँ पे अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है और जो यहाँ के डिफेंस का इशू है वो ब्रिटेन देख सकता है। तो ब्रिटेन ने आप कह सकते हैं लिटरली कंट्रोल संभाल लिया उसके बाद साइप्रस का। फिर आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1919 तक चली, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और ओटोमन एम्पायर आमने सामने थे, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई साइप्रस को अनेक्स कर लिया ब्रिटेन ने और कहा कि अब ये कम्प्लीटली हमारी कॉलोनी है और हम यहाँ पे गवर्न करेंगे। मगर जो ग्रीक सेप्रियोट्स थे, जो यहाँ पे नेटिव लोग रह रहे थे, जो क्रिश्चियंस कई हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रिवॉल्ट किया, गुरिला वॉरफेयर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत ही मुश्किल से कई सालों बाद 1960 में इंडिपेंडेंस गेन करी। और उस वक्त आर्क बिशप मकारियस पहले प्रेसिडेंट बने आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ साइप्रस। नाउ ब्रिटेन ने साइप्रस को इंडिपेंडेंस दे दी, मगर एक शर्त पे दी। उन्होंने ये कहा कि कुछ हमारे मिलिट्री बेसेस हमेशा साइप्रस में बने रहेंगे, और आज भी ब्रिटेन के मिलिट्री बेसेस हैं साइप्रस में जो इंडिपेंडेंस से भी पहले के हैं। साइप्रस के लोगों ने ये मंजूर कर लिया, उनको इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिल रही थी, दे वर हैप्पी टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। साइप्रस ने उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप ज्वाइन किया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट हब बन के उभरा साइप्रस। मगर जो यहाँ पे टर्किश पॉपुलेशन थी, आप कह सकते हैं जो प्राइमरली मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहाँ पे, वो यहाँ पे खुश नहीं थी चेंजेस से। उनको लगा कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रख रही और उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो बहुत जल्द जो यहाँ पे टर्किश माइनॉरिटी थी, उन्होंने रॉयट्स करना स्टार्ट कर दिया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बननी शुरू हो गई। नाउ जैसी सिचुएशन यहाँ पे खराब हुई, कुछ तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई, टर्की ने इन्वेजन कर दी साइप्रस की, अपनी मिलिट्री भेजी और सोचा कि साइप्रस को वापस कब्जा लेंगे। एक टाइम पे ओटोमन एम्पायर का पार्ट था ही, टर्किश लोग ये मानते थे कि हिस्टोरिकली साइप्रस बिलोंग्स टू देम, ब्रिटेन ने छलावे के साथ उनसे ये छीन लिया था, तो टर्किश फोर्सेस ने साइप्रस को इन्वेड कर लिया। नाउ सिंस जैसे मैंने आपको बताया था, जो साइप्रस के लोग हैं वो एथनिकली काफ़ी क्लोज हैं ग्रीस के, उनके काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं विद ग्रीस, और ग्रीस भी मानता है कि साइप्रस उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एलाई है रीजन में। तो जैसे ही टर्की ने यहाँ पे इन्वेड किया साइप्रस को, ग्रीस की आर्मी खड़ी हो गई और ऑलमोस्ट टर्की और ग्रीस के बीच में ही वॉर शुरू हो चुकी थी। मगर तभी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पे इंटरवेंशन करी और यहाँ पर जो ब्लू हेलमेट्स होते हैं यूएन की फोर्स, उनको और ज़रा बढ़ा दिया। पहले ही यूएन की फोर्स यहाँ पर थी जब यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन आ गई थी, मगर बाद में यूएन ने बहुत सी यहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय कर दी और टर्किश फोर्सेस को और साइप्रस के लोगों को अलग रखा और कहा कि यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होगा, हम लोग इस इशू को पीसफुल तरीके से सॉल्व करेंगे। मगर डैमेज जो होना था वो हो चुका था, जो टर्की के ऑब्जेक्टिव्स थे टर्की ने अकॉम्प्लिश कर लिए थे। टर्की ने उस वक्त तक साइप्रस का एक जो बहुत बड़ा रीजन है इसको कैप्चर कर लिया था, और फिर टर्की ने यह कहा कि अब ये अलग से कंट्री बन गई, ये जो साइप्रस है इसका विभाजन हो चुका है, यहाँ पर जो साइप्रस के नेटिव्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और जो टर्क्स हैं जो यहाँ पे माइग्रेट किए थे ड्यूरिंग द ओटोमन एम्पायर, वो ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में रहेंगे। और टर्की ने कहा कि ये अब अलग से कंट्री बन गई है। इस कंट्री को रिकॉग्निशन सिर्फ टर्की ही देता है, दुनिया की कोई भी कंट्री टर्की के अलावा ये जो कंट्री टर्की ने बनाई थी मिलिट्री इंटरवेंशन से इसको नहीं मानती। जो दुनिया की मेजर कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएस हो, इंडिया हो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो ये मानती है कि जो सारा जो आइलैंड है ये बिलोंग करता है साइप्रस की गवर्नमेंट को और ये निकोसिया जो कैपिटल है साइप्रस की उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आना चाहिए। मगर रियलिटी ये है आज के टाइम में साइप्रस डिवाइडेड है और निकोसिया की सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है अपने आइलैंड पर, और आइलैंड का विभाजन आज के टाइम में हो रखा है ग्रीन लाइन से। ये आप देखेंगे ये है ग्रीन लाइन, ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी फॉर द पर्पस ऑफ पीस कीपिंग। उसके अलावा जो यहाँ पे ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्रिटेन के मिलिट्री बेसिस हैं जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम के उनके पास हैं और आज भी यहाँ पे इनकी सबमरीन्स और शिप्स डॉक्ड हैं। नाउ इस सब के बीच में इंडिया का स्टांस क्या रहा है? इंडिया का स्टांस बहुत ही क्लियर है, इंडिया ने हमेशा से साइप्रस की सरकार को, साइप्रस के लोगों को सपोर्ट किया है। जब ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए तब भी इंडिया ने सपोर्ट किया साइप्रस का, साइप्रस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद जब यहाँ पे साइप्रस में सिविल वॉर हुई तब भी इंडिया ने यूएन के थ्रू, पीस कीपिंग मिशन के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे सैनिक भेजे। कई जो बहुत ही हमारे बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स यूएन के अंडर साइप्रस में गए, उनमें से कुछ शहीद भी हो गए, उनके नाम पे आज के टाइम में साइप्रस में आपको बहुत ही फेमस सड़कें भी मिलेंगी। और फिर जब टर्की ने साइप्रस पे अटैक किया था
और इसका एक तरीके से विभाजन हो गया था, तब भी इंडिया ने यह कहा था कि साइप्रस एक सिंगल कंट्री है, जो टर्की ने किया है ये गलत है, और साइप्रस की जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन है वो निकोसिया के हाथ में होनी चाहिए, मतलब कि जो वहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल था उसी को सब कुछ गवर्न करना चाहिए। तब से लेकर अब तक इंडिया ने कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि साइप्रस इशू का एक पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। नाउ इसके रिटर्न में साइप्रस ने भी इंडिया को बहुत कुछ दिया है। साइप्रस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है आज के टाइम में, तो ये ओपनली सपोर्ट करते हैं इंडिया को इन ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जो रिसेंटली बात हो रही थी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की, वहाँ पे इंडिया की एंट्री को साइप्रस ने सपोर्ट किया है। बस एक ही कंट्री है जो इंडिया को अपोज कर रही है, चाइना। उसके अलावा ज़्यादातर कंट्रीज इंडिया की एंट्री को लेकर काफ़ी हद तक वेलकमिंग है। उसके अलावा IAEA में जो इंडिया की एंट्री थी उसको भी साइप्रस ने सपोर्ट किया। 2002 में इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी साइप्रस गए थे। उस वक्त के साइप्रस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को यह कहा कि साइप्रस सपोर्ट करेगा इंडिया को फॉर परमानेंट सीट UN सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा जो निकोसिया है साइप्रस का कैपिटल, वहाँ पर जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास में एक स्ट्रीट है, वो इंदिरा गांधी जी के नाम से नेम्ड है इंडिया की रिस्पेक्ट में। सिमिलरली इंडिया में न्यू दिल्ली में एक एवेन्यू है, वो आर्क बिशप मकोरियस जो साइप्रस के पहले प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर है। तो दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुक आप कह सकते हैं बहुत अच्छे हैं। और 2019 में भी हमको ये देखने को मिला, कश्मीर का इशू उठाया UN में, इंडिया ने उसके रिस्पांस में साइप्रस के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। यहाँ पे आप देख सकते हैं PM मोदी और साइप्रस के प्रेसिडेंट, और यहाँ पर यह कहा कि इंडिया की जो कंसिस्टेंट सपोर्ट रही है फॉर द इंडिपेंडेंस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ साइप्रस ये बरकरार रहेगी और हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो कम्प्लीटली यहाँ पर एक एंटी टर्किश स्टांस इंडिया ने लिया। नाउ इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? आज के टाइम में आप अगर देखें तो साइप्रस और ग्रीस के बीच में जो मिलिट्री टाइज हैं बहुत ज़रा स्ट्रांग हो चुके हैं। ओवर द ईयर साइप्रस ने मिलिट्री में काफ़ी खर्चा भी किया है, क्योंकि ये मानते हैं कि हो सकता है इन द फ्यूचर टर्की कुछ और यहाँ पर टेरिटरी गेन करने की कोशिश करे, उसमें कुछ मिलिट्री वॉरफेयर हो सकती है। तो देखिए इंडिया के पास एक ऑप्शन ये खुली है कि इंडिया मिलिटरली अब साइप्रस को सपोर्ट कर सकता है, ग्रीस के साथ कोऑपरेशन कर सकता है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकता है साइप्रस के साथ, अगर टर्की बार बार कश्मीर का इशू रेज करता रहता है। इसके अलावा इंडिया के पास एक दूसरा रास्ता ये भी है कि टर्की के साथ वो बात करे। टर्की देखिए ऐसा नहीं है कि कश्मीर का इशू इसलिए उठा रहा है क्योंकि उनको इंडिया से नफरत है, सब कुछ जियो पॉलिटिक्स है, काफ़ी हद तक जो इंटरेस्ट है क्लैश करते हैं कई जगह। तो टर्की भी इंडिया से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं नाराज़ है कि इंडिया ने ओवर द ईयर साइप्रस को अपनी सपोर्ट कभी विड्रॉ नहीं करी, साइप्रस को हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। तो ऐसे टाइम में इंडिया टर्की के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि देखिए हम लोग साइप्रस को लेकर अपनी जो पोजीशन है थोड़ी लूज करते हैं, इनको सपोर्ट थोड़ा कम स्टार्ट करेंगे, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो देखना होगा इवेंचुअली इंडिया यहाँ पे किस रास्ते पे चलता है। अभी के लिए जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया साइप्रस को सपोर्ट करता रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप देखें कि इंडिया साइप्रस के इशू को लेकर और आर्मेनियन जेनोसाइड के इशू को लेकर टर्की को काउंटर करे इंटरनेशनल स्टेज पर, अगर टर्की कश्मीर का इशू उठाता रहता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।